मेरे नए 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 लाल बालों की पूछो, नए नए बाल जुल्फे नहीं, ओह मैंने बोला बाल, बोलता जुल्फे, हाँ ठीक है चलो, गुड इवनिंग। चाहे अवार्ड मिले या ना मिले, हमको म्यूजिक बनाने में बहुत मजा आता है एंड मैं लगी रहूंगी। अभी आप देखना, मैं अभी म्यूजिक डायरेक्शन का काम शुरू किया है, सो सिंग इज प्लेइंग, काफ़ी मूवीज आ रही हैं, सो हम वह कि मेरे को आशीर्वाद दे दो सब लोग, ये इससे बड़ा हिट होने का है। आई एग्री विद इट बिकॉज म्यूजिक इज म्यूजिक, आप किसी चीज़ को भी किसी साथ मिक्स कर सकते हो, और ओरिजिनलिटी आजकल कुछ नहीं है, फ्यूजन सब कुछ है, लेकिन कई क्लासिकल सिंगर्स अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं नहीं, हम जैसे लोग हमको म्यूजिक नहीं आता। तो क्लासिकल सिंगर्स अपने आप को बहुत एक रूल में रखते हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं रैप करती हूँ बट मैं और म्यूजिक भी करती हूँ, आप क्लासिकल सिंगर हो आप और भी कुछ कर सकते हो, और म्यूजिक इज म्यूजिक, गुड म्यूजिक गुड म्यूजिक होता है चाहे जो मर्जी बनाए। पर टूरिस्ट जो होते हैं उनको हमेशा आपत्ति रहती है कि जो पहले का है उसको किसी तरह से छेड़छाड़ ना की जाए। हाँ फिर वो नहीं, कई कई गाने ऐसे होते हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए, जो ओरिजिनल बना था वो बहुत सेक्सी था, उसको छूने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी होता है, और ऐसे भी होता है कि नया वर्जन भी अच्छा निकलता है। अब ये जो प्यूरिस्ट है, देखो या तो आप संत बन के घर पे बैठो अपना ये करो, या आप चाहते हो कि दुनिया सुने, एवरीथिंग इज चेंजिंग, यू नो यूथ इज चेंजिंग, सो अगर आप चाहते हो आपका म्यूजिक कोई सुने, उसमें आपको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा।